हरियाणा के परिवहन मंत्री के बयान को लेकर रोडवेज वर्कर यूनियन बेहद गुस्से में है। परिवहन मंत्री रामविलास ने बयान दिया है कि कंपनी के साथ मिलकर परिवहन बस चलाएंगे, जिसके बाद रोडवेज वर्कर यूनियन ने एक बैठक की और निर्णय लिया कि 22 जुलाई को मंत्री का घेराव किया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए कि सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए जनता विरोधी फैसले ले रही है और रोडवेज कर्मचारी किसी भी सूरत में प्राइवेट स्कीम को लागू नहीं होने देंगे। ऑल हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी 3 महीने से लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन में है। हम सरकार को अपना मांग पत्र भी दे चुके हैं, सुझाव पत्र भी दे चुके हैं और उसके बाद सरकार के बातचीत न करने के बाद हम करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव भी कर चुके हैं। जिस दिन हम 30 मई को सीएम आवास का घेराव किया था, उस टाइम हमारे को आश्वासन मिला था वहाँ से कि हम जल्दी जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी मीटिंग बुला करके आपकी सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे, लेकिन सरकार अपनी वादा खिलाफी उतर करके बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। आज तक सरकार ने जो है किसी प्रकार की भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी कोई मीटिंग नहीं बुला करके सरकार यूनियन से कोई बातचीत नहीं की आज तक भी। कल जैसे बयान आए थे परिवहन मंत्री जी के कि हमने यूनियन से 6 घंटे बात करी, वो बिल्कुल श्रेयम झूठ बोल रहे हैं और जनता को धोखे में डाल रहे हैं। आज तक यूनियन से कोई बातचीत नहीं हुई है परिवहन मंत्री की, जो उन्होंने बयान बिल्कुल गलत बयान है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।